तो चलिए अब बात करते हैं वायरल वर्ल्ड के तमाम वीडियोस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए बच्चों को आपने आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग लेते हुए बहुत कम देखा होगा, लेकिन इन दिनों एक बच्चे का ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी कड़ी ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहा है। जरा ये वीडियो देखिए। आत्मरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? हो सकता है आपके पास बहुत सारे विकल्प हो, लेकिन एक बच्चा अपने आत्मरक्षा के लिए कैसे तैयार होता है ये आपने देखा। अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को दोबारा देखो। ट्रेनिंग लेता ये खतरनाक बच्चा दिख रहा है जो सिर्फ अपनी ट्रेनिंग से ही लोगों को डरा दे रहा है। पहले ये बच्चा अपने लचीले शरीर के साथ आसानी से घूम जाता है और इसके बाद बच्चा अपने आगे की ट्रेनिंग में लग जाता है। सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार इस वीडियो को पोस्ट कर ऐसा वीडियो बना रहे हैं। दमकल कर्मियों की ट्रेनिंग तो आपने देखी होगी और अगर नहीं देखी है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए कि कैसे दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश करते हैं और कैसे अपना दमखम दिखाते हैं। जरा ये वीडियो देखिए। दमकल कर्मियों यानी फायर फाइटर्स का काम कितना मुश्किल होता है ये आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी दमकल कर्मियों की ट्रेनिंग देखी है? अगर नहीं देखी तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। वायरल वीडियो में कैसे एक शख्स तेजी से भागता हुआ सीढ़ी लेकर दीवार पर चढ़ जाता है। वो सिर्फ एक मंजिल पर नहीं बल्कि सीढ़ी को बार बार लगाकर काफी ऊपर तक चढ़ जाता है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जब जब ये वीडियो देखा इसको पोस्ट किए बिना रह नहीं पाए और ट्रेनिंग की तारीफ करते नजर आए। क्या आपने कभी सड़कों को घूमते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं ये वीडियो देखकर आप हैरान होने वाले हैं कि बस अपनी जगह खड़ी हुई है लेकिन सड़क घूम रही है। जरा ये वीडियो देखिए। दुनिया भर के सड़कों की अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, लेकिन क्या आपने ये वाला वीडियो देखा? अगर नहीं देखा तो यहाँ जरूर देखें कैसे एक बस आती है और बस स्टैंड पर खड़ी होती है और बिना बस के हिले बस पूरी की पूरी घूम जाती है। इस अद्भुत टेक्नोलॉजी को देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो को लोग टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर रहे हैं। और कुत्ते बिल्ली की लड़ाई तो मशहूर है, आपने जरूर देखी होगी कि कैसे कुत्ते बिल्ली में आपस में लड़ाई होती है। एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे यहां पर दो मासूम आपस में झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जरा देखिए। कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई तो आपने अक्सर देखी होगी, लेकिन क्या आपने इतनी प्यारी लड़ाई कभी देखी है? शायद ही आपने देखी होगी। इन तस्वीरों में एक छोटा सा कुत्ता बिल्ली को परेशान करता है और बिल्ली खुद का बचाव करने की कोशिश तो करती है, लेकिन कुत्ता उसे जाते जाते भी उसकी पूंछ को छेड़ता है और उसे परेशान करता है। सिर्फ इसलिए लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं, बल्कि इस वीडियो में कुत्ते की टी शर्ट पर भी सबका ध्यान आकर्षित हो रहा है जो इस वीडियो को और भी ज्यादा खास बना रहा है। देखिए एक्सरसाइज तो आप जरूर करते होंगे, लेकिन हम आपको एक जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं उसमें एक शख्स ये कड़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहा है। दरअसल ये शख्स टायर के साथ किस तरह की एक्सरसाइज कर रहा है ये जरूर आपको देखना चाहिए। अक्सर आपने फिल्मों और सीरियल में टायर के साथ कसरत करते लोगों को देखा होगा और अगर आपको कहा जाए कि ट्रक टायर के साथ आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप कर पाएंगे? शायद आपका जवाब होगा ना, लेकिन एक शख्स है जो आसानी से ट्रक के टायर के साथ कसरत कर लेता है। स्क्रीन पर दिखने वाला ये शख्स तरीके के साथ ट्रक में टायर को चढ़ाता है और बिना मौका गवाए एक बार में ही टायर को ट्रक के ऊपर चढ़ा देता है। सोशल मीडिया पर एक्सरसाइज करने वाले लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। और इधर उत्तराखंड की विश्व धरोहर रम्माण महोत्सव का एक वीडियो दरअसल वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स अजीब वेशभूषा में नजर आ रहा है। जरा ये वीडियो देखिए। तस्वीरें देखिए, आपको कई सारे लोग और एक शख्स अलग वेशभूषा के साथ झांकी दिखा रहा है।
ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां जोशीमठ में स्थित सलूड रुंगा गांव में उत्सव के दौरान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल इस गांव में हर साल विश्व धरोहर रमाण उत्सव की कुछ झलकियां नजर आती हैं। इस कड़ी में वेशभूषा के साथ ये शख्स अनोखे अंदाज के साथ ये उत्सव मनाता हुआ नजर आया। एक बात कहा जा रहा है कि इस पर वोटिंग थोड़ा कम है, वोटिंग एंथुसियाज्म थोड़ी कम है, इट इज लेस देन लास्ट टाइम। ये ऐसा क्यों? जब व्यक्ति हताश होता है, निराश होता है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी बढ़ चढ़ कर वोटिंग करने की इच्छा नहीं होती है। अब कहता ठीक है, अब वो जीती रहे तो वोट क्या करेगा। आपको चिंता नहीं है इसको लेकर? मैंने बिल्कुल चिंता नहीं, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हम लोगों ने जी टारगेट तय किया है NDA के लिए कि 400 पार। है जहां पर बवंडर का कहर और चारों तरफ तबाही तबाही देखने को मिल रही है। इमारतों को भारी नुकसान पहुंच रहा है और अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और ये चीख पुकार सुन रहे हैं आप, यहां का दृश्य डरा देने वाला है। वाकई में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है दक्षिणी चीन के गुआंगझोउ से, यहां पर बवंडर का कहर कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। चारों तरफ सब कुछ उड़ता हुआ हवा में लहराता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि देखिए कुछ इस तरह का बवंडर का कहर यहाँ पर दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस शहर में भारी तबाही चारों तरफ मची हुई है और लोगों की चीख पुकार की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अब तक 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और कई लोग घायल हो चुके हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में जंगल में अब तक नहीं बुझी भीषण आग, जंगल में लगी आग को लेकर सीएम धामी ने किया हवाई सर्वेक्षण, वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, पेयजल किल्लत को लेकर भी जल संस्थान के अधिकारियों को भी सीएम धामी ने निर्देश दिए, वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी की भी छुट्टियां रद्द की गई। जंगल में लगी आग को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया गंभीर, कहा जंगलों की आग हमारे लिए बड़ी चुनौती है और इस पर लगातार काम जारी है। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि आग बुझाने के लिए सेना से भी मदद ली जा रही है। नैनीताल और आसपास के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने में जुटा है एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर ने महिमताल झील से पानी भरकर पाइन क्षेत्र की आग बुझाई है। नैनीताल से लगे भूमियाधार, जुलेकोट, नारायण नगर, भवाली, रामगढ़, मुक्तेश्वर आदि के जंगल में भीषण आग लगी है। बेकाबू आग पर 2 हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार, नैनीताल के आसपास की सभी झीलों की बोटिंग को रोका गया, प्रशासन जल्द आग पर काबू पाने का दावा कर रहा है। आज से 2 दिनों तक दक्षिण में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे चुनावी प्रचार, पीएम मोदी आज से 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले पीएम बेलगावी पहुंचेंगे और 11 बजे एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे, तो वहीं पीएम मोदी 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे एक सार्वजनिक बैठक में भाग लेने के लिए बागलकोट जाएंगे। दक्षिण में पीएम मोदी तो उत्तर में गृहमंत्री अमित शाह गरजेंगे, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज कासगंज, मैनपुरी, इटावा और कानपुर के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले अमित शाह कासगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद मैनपुरी में जनता के बीच जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा रहेगा। जेपी नड्डा ओडिशा के गंजम जिले के बरहामपुर में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे, तो वहीं जनता के बीच जाकर नड्डा मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। चुनाव से पहले रिपब्लिक भारत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की खास बातचीत, कहा UCC लागू करना हमारी सरकार का संकल्प है, POK भारत का अखंड हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। आज बतायू बरेली और एटा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, दोपहर 12 बजे बरेली के सुभाष इंटर कॉलेज का ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद सीएम एटा में जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। बदायूं में सीएम योगी आज करेंगे चुनाव प्रचार, सीएम योगी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है, बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य के समर्थन में सीएम योगी जनसभा करेंगे। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट से बीजेपी ने किया हैरान, पार्टी ने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्जवल निकम को टिकट दिया, मौजूदा सांसद पूनम महाजन का टिकट काटा। निकम मशहूर सरकारी वकीलों में से एक है, आपको बताते चले उज्जवल निकम ने कसाब को फांसी दिलाई थी। संदेशखाली में हथियारों को लेकर शुरू हुई सियासत, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने CBI टीम पर लगाया गंभीर आरोप, कहा CBI वालों ने ही रखे होंगे हथियार।
कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी ने उठाए कई सवाल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में विदेशी ताकतों के हाथ आता है नजर। गांधी परिवार को जो सूट करता है वो करते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की बड़ी मुश्किल। ईडी ने आप विधायक अमानतुल्ला खान को 29 अप्रैल को फिर से बुलाया। दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में ईडी ने भेजा है समन। यूपी के अंबेडकर नगर में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की। दिल्ली सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान सुनीता केजरीवाल ने कहा, आपका सीएम शेर है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। पूर्वी दिल्ली से पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में कोंडली इलाके में प्रचार किया। यूपी के मऊ में एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर का खुला केंद्रीय कार्यालय। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मध्यप्रदेश के दमोह में पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल। कार्यकर्ताओं से प्रहलाद पटेल ने की मुलाकात। प्रदेश के 29 में से 29 सीट जीतने का दावा किया। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। साइबर थाना पुलिस ने साइबर क्राइम के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 7,000 रुपए का एक मोबाइल फोन और 400 मोबाइल सिम भी जब्त किए। यूपी के बुलंदशहर में महिला टीचर की हैवानियत का एक वीडियो वायरल हुआ। पड़ोसी के घर में घुसकर मारपीट की घटना में मासूम बच्चे समेत 3 घायल हुए हैं। कार में तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगा। मध्यप्रदेश के धार जिले में आगामी लोकसभा चुनाव एक्शन मोड में प्रशासन। पुलिस के हाथ लगे अंतर्राज्यीय अवैध हथियार तस्कर। पुलिस टीम ने 3,10,000 रुपए की कीमत के हथियार बरामद किए। यूपी के बहराइच में हज प्रशिक्षण और टीकाकरण कैंप का आयोजन हुआ। 227 हज यात्री हज के लिए जाएंगे सऊदी अरब। 6 कैंपों के माध्यम से इनका होना है टीकाकरण। यूपी के बहराइच में चलती कार में लगी भीषण आग। आग लगने की वजह से कार जलकर राख हुई गई। बाल बाल बचे कार सवार लोग। तो चलिए अब बात करते हैं वायरल वर्ड के तमाम वीडियोस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए बच्चों को आपने आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग लेते हुए बहुत कम देखा होगा, लेकिन इन दिनों एक बच्चे का ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी कड़ी ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहा है। जरा ये वीडियो देखिए। आत्मरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? हो सकता है आपके पास बहुत सारे विकल्प हो, लेकिन एक बच्चा अपने आत्मरक्षा के लिए कैसे तैयार होता है ये आपने देखा। अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को दोबारा देखो। ट्रेनिंग लेता ये खतरनाक बच्चा दिख रहा है जो सिर्फ अपनी ट्रेनिंग से ही लोगों को डरा दे रहा है। पहले ये बच्चा अपने लचीले शरीर के साथ आसानी से घूम जाता है और इसके बाद बच्चा अपने आगे की ट्रेनिंग में लग जाता है। सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार इस वीडियो को पोस्ट कर ऐसा वीडियो बना रहे हैं। दमकल कर्मियों की ट्रेनिंग तो आपने देखी होगी और अगर नहीं देखी है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए कि कैसे दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश करते हैं और कैसे अपना दमखम दिखाते हैं। जरा ये वीडियो देखिए। दमकल कर्मियों यानी फायर फाइटर्स का काम कितना मुश्किल होता है ये आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी दमकल कर्मियों की ट्रेनिंग देखी है